जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा पे सदैव बने रहे, आप सदैव खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आप इस बात को शायद नहीं जानते कि हमारे शरीर में तीन गुफाएं हैं। एक गुफा के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन तीन को जानना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और तीनों गुफाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से भी जानेंगे। गुफा में आपको पता ही है क्या होता, गुफा का मतलब तो गुफा ही होता है, इंग्लिश में केव बोलते हैं। और गुफाओं में खजाने गड़े होते हैं, कई बार आदमी जानता नहीं है। तो आपके भीतर भी जो तीन गुफाएं हैं, इनमें खजाने हैं। और उन खजानों तक पहुंचोगे तब, जब पहले गुफाओं को ही जान लोगे तभी। तो जो सबसे पहली गुफा है वो है नाभि गुफा। इस नाभि गुफा को मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। यहाँ भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी का वास होता है। नाभि क्षेत्र में स्थित यह गुफा मणिपुर चक्र के रूप में जानी जाती है। यह चक्र हमारे पाचन तंत्र के पास स्थित होता है और इसका संबंध हमारे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और ऊर्जा से होता है। इसे ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जो शरीर में शक्ति और गतिशीलता प्रदान करता है। इस चक्र का रंग पीला होता है और इसका तत्व अग्नि है। जब मणिपुर चक्र बैलेंस होता है, संतुलित होता है, तो व्यक्ति में आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। वो उसके चारों तरफ से खुशी के रास्ते खुल जाते हैं, धन का आगमन उसके घर में होने लग जाता है। तो नाभि चक्र के बारे में अभी आपने जाना। और जब बच्चा छोटा होता है तो वो नाभि से ही जुड़ा होता है, माँ से अपना पूरा भोजन वहीं से लेता है। और हमारे शरीर की सारी नसें नाड़ियाँ भी नाभि से जुड़ी हुई है। दूसरी जो गुफा है वो है हृदय गुफा, जिसको अनाहत चक्र बोला जाता है। यह हृदय गुफा हृदय क्षेत्र में स्थित होती है और इसे अनाहत चक्र के नाम से जाना जाता है। यह चक्र प्रेम, करुणा और भावनाओं का केंद्र होता है। इसका रंग हरा होता है और इसका तत्व वायु है। अनाहत चक्र का संतुलन भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी संवेदनशीलता, संबंधों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति प्रेम में दयालु और स्नेही महसूस करता है। तीसरी जो गुफा है वो है मस्तिष्क गुफा, जिसको सहस्रार चक्र कहते हैं। मस्तिष्क में स्थित इस गुफा को सहस्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित होता है और इसे आध्यात्मिकता और उच्चतम चेतना का केंद्र माना जाता है। बैंगनी या सफ़ेद होता है और यह आकाश तत्व से संबंधित है। सहस्रार चक्र का संतुलन व्यक्ति को आत्मज्ञान, शांति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और यह चक्र जागरूकता और आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता है। इन तीन गुफाओं का संतुलन और जागृति हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और सहस्रार चक्र तक पहुंचना बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहीं वो सर्वशक्तिमान परमात्मा विराजते हैं, जिसके लिए कहा गया है कि सबसे ऊंचा नाद जो उसमें गूंजे राम, सोहंग स्वयंभू स्वयं है परम धाम वह शांत, वह उसका जो परम धाम है वो परम शांत है। तो वो सहस्रार चक्र में जब आप पहुंचोगे तब जो है उस परम शांत का आप अनुभव कर पाओगे। तो निरंतरता से आप जिस भी तरह से भक्ति कर रहे हो करते रहो, करते करते इन तीनों गुफाओं में आप प्रवेश कर जाओगे। और इन तीनों गुफाओं में जो धन के भंडार रखे हुए हैं उनको आप प्राप्त कर लोगे, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक आपके भीतर है। और जिसके भीतर वो मालिक है तो वो सब कुछ पा सकता है और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है इन गुफाओं तक पहुँचने के लिए। बस
अपनी सांसों का ध्यान करें, क्योंकि श्वासों में ही शिव और शक्ति दोनों विराज रहे हैं। तो आप जो है करना जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं करना जानते हो तो चैनल पर लाइव की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ मिलेंगे जिनमें हमने सांसों का ध्यान बताया है, उनको आप देखिएगा। और आपको नहीं पता है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9958515054 पर। दिल्ली के 21 जुलाई के सत्संग में आने के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। फॉर्म जिनके पास भेजा हुआ है वो जल्दी से जमा करवा दें, नहीं भेजा हुआ है तो भेज देंगे, मैसेज कर दीजिए और जो अपनी सेवा दे रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। और सेवा देना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से तो 9643745467 पर अपनी सेवा दे सकते हैं। और ये दोनों ही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।